हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं ये चक्र के सिम्टम्स वाला वीडियो लेके आ रही हूँ। मैंने सीरीज चालू की थी ऑलरेडी। मैंने रूट चक्र, सेक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस, ये तीनों चक्र, तीनों लोअर चक्रस अगर हमारे ब्लॉक्ड होते हैं तो हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है और हम उसको किस तरीके से हील कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज बनाए हैं। ये सीरीज मैं और कंटिन्यू करना चाहती थी, बट आप लोगों के इतने सारे दूसरे रिक्वेस्ट आ रहे थे, उनको फुलफिल करने के लिए मैंने सोचा ठीक है थोड़ा आप लोगों के रिक्वेस्टेड वीडियोज बना दे, फिर से बाद में ये स्पिरिचुअलिटी वाला चक्र हीलिंग वाला सेशन चालू रखेंगे, ठीक है। सो आज टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन चक्र। एंड आज का वीडियो है कि अगर हमारा हार्ट चक्र, हमारा अनाहत चक्र अगर ब्लॉक होता है या फिर ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव होता है या किसी भी तरीके से अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या उसको अपनी प्रॉपर रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आएगी हमारी लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन बात, हार्ट, इट्स रिलेटेड टू फीलिंग्स, इट्स रिलेटेड टू इमोशंस। तो हम कुछ भी फील करते हैं हमारी लाइफ में वो हमारे हार्ट चक्र से फील होता है, हम दिल से फील करते हैं, राइट। इट्स द प्लेस ऑफ आर इमोशंस। यस, हमारे इमोशंस स्टोर दूसरे चक्रों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेलेसी है तो वो हमारे नेवल में स्टोर होगा, अगर लो कॉन्फिडेंस है तो वो हमारे सोलर प्लेक्सस में स्टोर होगा, अगर लेजीनेस है तो वो हमारे रूट चक्र में स्टोर होगा। लेकिन करंटली वो एनर्जी वहाँ से रिलीज होकर हमारे हार्ट चक्र में आती है, फिर हम उस हार्ट चक्र से उसको महसूस करते हैं। तो अगर दूसरे चक्रों में ये सारी बीमारियाँ स्टोर होगी तो उस चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लो कॉन्फिडेंस है तो आप कॉन्स्टेंटली लो कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने हार्ट चक्र से, एंड आपको लो कॉन्फिडेंस वाली इश्यू कहाँ होता है, हमारे सोलर प्लेक्सस में होती है। तो सोलर प्लेक्सस और क्या रेगुलेट करता है, हमारा डाइजेशन रेगुलेट करता है। तो हम अंडर कॉन्फिडेंट तो होंगे, साथ में हमारा डाइजेशन इश्यू भी होगा। तो पता चला सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस वीक है तो साथ में आपका हार्ट चक्र भी वीक हो जाएगा। अगर हमारे तीनों लोअर चक्रस वीक है तो कंबाइंड टुगेदर हमारा हार्ट चक्र भी वीक हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जाके जो तीनों लोअर चक्र के वीडियोज मैंने पहले बनाए उनको भी जाके देखिए एंड एनालाइज करिए कि आपके कौन कौन से चक्र वीक है, कौन कौन से चक्र पे आपको काम करने की जरूरत है। 90% प्रॉब्लम्स लाइफ की ऐसे ही हील हो जाएगी अगर हमारे चक्र प्रॉपरली बैलेंस्ड होंगे, बिकॉज वो कंट्रोल करता है हमें फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें रेगुलेट होगी तो लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे कम हो जाएंगे, ठीक। सबसे पहले तो हमारा हार्ट चक्र कहाँ लोकेटेड है, यहाँ सेंटर ऑफ द चेस्ट में। उसका कलर क्या है, कलर है ग्रीन। अब हार्ट चक्र जो है वो सेंटर है लव का, ठीक है। दिस इज द सेंटर फ्रॉम वेयर वी सेंड एंड रिसीव लव, नॉट ओनली लव ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन जिससे हम प्रेम करते हैं सिर्फ उन्हें, बट ऑल्सो डिवाइन लव, लव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ दैट गॉड, दैट डिवाइन। तो अगर ये अच्छे से काम करेगा तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आप महसूस कर पाएंगे, आप सेंसिटिव हो पाएंगे। अगर हार्ट चक्र अच्छे से काम करता है तो हम बहुत ही, हमें सारी डिवाइन की क्वालिटीज आने लगती है। वी आर वेरी मच पीसफुल, वी हैव पेशेंस, हम बहुत ही काइंड कंपैशनेट होते हैं, दूसरों के लिए एम्पैथी रखते हैं, दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी हायर पॉजिटिव इमोशंस है ना, प्रेम के, करुणा के, जॉय के, हम एकदम जॉयफुल रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे। ऐसे सारे हायर पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर आएंगे अगर हमारा हार्ट चक्र अच्छे से काम करेगा तो। अब अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? सबसे पहला सिम्टम ऑफ अ वीक हार्ट चक्र इज दैट इट विल बिकम हार्ड फॉर यू टू फॉरगिव। यस, सबसे पहले कमेंट करो किस किस को ऐसा लगता है कि चाहते हैं वो दिल से किसी को माफ़ कर देना, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने हर्ट किया है, बट आपके अंदर एक अच्छा इंसान है जो चाहता है उनको माफ़ कर देना। नहीं यार, मुझे उसके लिए वैसी नेगेटिव या हेटर्ड वाली फीलिंग रखनी ही नहीं है, बट पता नहीं अंदर से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो उसको फॉरगिव करता ही नहीं है। पता नहीं वो नफरत, वो घृणा बोलते हैं ना, वो हेटर्ड वो आ ही जाती है अंदर। वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव नो मैटर हाउ मच वी ट्राई और हाउ मच वी वॉन्ट। चाहते हैं हम, हमारे दिमाग से चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, ना भूल पाते हैं ना माफ़ कर पाते हैं। नीदर वी फॉरगिव नॉर वी फॉरगेट। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है कि आप किसी को दिल से सच में माफ़ करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहा है, देन योर हार्ट चक्र इज वीक।
Now the second symptom of a weak heart chakra or not proper functioning heart chakra or an underactive heart chakra is that you will have high expectations from others. Yes, आप लोगों को दूसरों से इतनी ज़्यादा expectation होने लगेगी ना कोई भी चीज़ में कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, ये मेरे लिए वैसा करेगा, और अगर नहीं करते तो आप अंदर से हिल जाते हो, अंदर से दुखी हो जाते हो कि मेरे साथ ऐसा किया, मैं इतना डिज़ायर करती थी कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लिए मुझे रोज़ घुमाने लेके जाएगा, मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, और इसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे घूमने जाना है. ठीक है, सो ये एक्सपेक्टेशंस आपकी, सिर्फ ये नहीं, आपके कलीग्स को लेके, आपके स्टाफ को लेके, आपके बॉस या आपके जूनियर्स, ठीक है, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुझे मेरे लिए ये काम करना है, देन यू शुड डू इट. इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होगी दैट एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ माय फीलिंग्स. एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि लोगों को हमारी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा परवाह होनी चाहिए कि इसको कैसा महसूस हो रहा है, किस चीज़ में अच्छा लगता है. ठीक है, वो नहीं, अगर वो लोग समझेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन हर्ट हो जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती. अभी सी, एवरी पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट, इवन इफ दे अंडरस्टैंड, सम पीपल डू नॉट वॉन्ट टू डू इट, और सम पीपल दे आर जस्ट नाइव, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे उनका हार्ट चक्र इतना बड़ा है ही नहीं. ठीक है, जो सेंसिटिव होते हैं उनका हार्ट चक्र बहुत बड़ा होता है, वो दूसरों की फीलिंग्स समझ पाते हैं. And it's okay not having a large heart chakra. It's okay. ठीक है, अगर आप बोलो किसी को and वो आपके लिए कोई काम कर रहे हैं, वो मान लेते हैं आपकी बात, then that's a sign of a good person. And what else do we need? But अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है कि नहीं, बोले बिना इसको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी क्या expectations हैं, and आप उसकी वजह से दुखी हो जाते हैं because सामने वाला नहीं समझता है, then it is a sign of a weak heart chakra and you need to work on it. Now the third symptom is depending on others for your happiness. Yes, अगर हमारी expectation दूसरों से जुड़ी हुई होगी तो हमारी खुशियाँ भी तो दूसरों से जुड़ी हुई होगी, right? अगर लोग आपकी expectation fulfill नहीं करेंगे तो आप दुखी हो जाओगे. मतलब आप अपनी खुशियों का भार दूसरों के ऊपर डाल देते हो. दूसरे कैसा बिहेव करेंगे ना, उस पर डिपेंड होता है कि आप कैसा फील करेंगे. मतलब आपकी खुशी, आपके गम, हर चीज़, आपकी सारी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा ना, तो फिर उसके कंट्रोल में नहीं है. आपने दूसरों के कंट्रोल में दे दिया है कि दूसरों के दूसरे कैसा बिहेव करते हैं, कैसा आपके साथ बात करते हैं, कैसा उनका ओवरऑल व्यवहार रहता है, उसके ऊपर ही डिसाइड होगा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ. तो अगर आपकी खुशियों की चाबी की जो है वो आपने दूसरों के हाथ में दे दी है कि आपके हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट्स है, किड्स हैं, उनके बिहेवियर पे ही डिसाइड होगा कि उनके कुछ करते ही आप इमिजिएटली गुस्सा हो जाते हो, या इमिजिएटली मूड खराब हो जाता है, या इमिजिएटली हर्ट हो जाते हो. हार्ट चक्र की एक्चुअली एंगर से ज़्यादा हर्ट इज द नेगेटिव एनर्जी ऑफ हार्ट चक्र. तो अगर आप इजीली हर्ट हो जाते हो, इजीली दुखी हो जाते हो, देन इट्स अ साइन ऑफ अ वीक हार्ट चक्र कि आपने आपकी खुशियों की जो चाबी है वो अपने पास रखी नहीं, आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हो. आप खुद से वो खुशी क्रिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका हार्ट चक्र को जो प्रॉपर एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वो बेचारा कैसे क्रिएट करेगा. इसलिए आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो कि तू क्रिएट करके दे मुझे. ठीक है, नाउ द फोर्थ सिम्टम इज क्विक जजमेंट. यस, आप दूसरों को बहुत जल्दी जज करने लगेंगे कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. आप अपने दिमाग से सोच के, समझ के, टाइम दे के, एनालाइज करके जज नहीं करेंगे. इमीडिएटली आप डिसाइड कर लेंगे कि कोई पर्सन किस तरीके का है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है. बेचारे को मौका दिए बिना, एक उसने बेचारे ने मूड खराब था इसलिए कुछ थोड़ा सा बोल दिया, तो इज़ वेरी रूड. आपने किसी एक पर्सन को, कोई लड़के को किसी लड़की से बात करते हुए देख लिया, ही इज़ कैरेक्टरलेस एकदम. मैं आपको इस तरीके से नहीं बोल रही कि आप लोगों को ब्लेम करते रहेंगे, बट आप जज जल्दी से कर लेंगे कि आप ना लोगों को कैटेगरी में फिक्स कर देंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसी है. एंड देन वो बेचारे चेंज होने की कोशिश भी करेंगे ना, पहली बात तो वो करेंगे नहीं कोशिश, बिकॉज हमारी एनर्जी ही ऐसी जा रही है कि हमने फिक्स कर दिया दिस पर्सन इज़ कैरेक्टरलेस एंड दिस पर्सन डजंट लाइक मी, तो वो उनकी एनर्जी चेंज होगी नहीं क्योंकि हमारी एनर्जी ऐसे ही जा रही है. ठीक है, और अगर वो चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इन माइंड, यू हैव जज्ड. जजमेंट क्या होता है? फाइनल, मतलब जजमेंट इज ऑलवेज फाइनल. तो आप जज करने लगते हैं अगर आपका हार्ट चक्र वीक है. Fifth symptom of a blocked heart chakra is that you will feel a lot of jealousy and hatred towards people. Unnecessary, बस लोगों से जलन होती रहेगी. अगर आपको लोगों से जलन होती है या नफरत होती है ना,
इंस्टेड ऑफ नॉट वॉन्टिंग टू फील दोज टू इमोशंस, कि मुझे ऐसा नहीं महसूस करना, आपको अंदर से बुरा लग रहा होता है कि यार मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, मेरे को उससे नहीं जेलस करना है, उसको बढ़ने दो ना, लाइफ में बढ़ना है तो, या मुझे उससे नहीं हेट करना है, बट आप रोक ही नहीं पा रहे हो, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपका हार्ट एंड सोलर दोनों कमजोर है. नॉर्मली जब हमारा सोलर प्लेक्सस वीक होता है ना, तो साथ में हार्ट वीक हो ही जाता है, बिकॉज सारा का सारा ये जो कचरा है ना, लो सेल्फ एस्टीम का, जेलेसी का, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, ये सारा सोलर में स्टोर हो जाता है. अब सोलर स्टोर कर करके धीमे धीमे वैसी फीलिंग्स हार्ट में क्रिएट करता रहता है. ठीक है, तो सोलर पे काम करना बहुत जरूरी है. अगर आपको बहुत ज्यादा लोगों से जलन होती है या हेटरेड होती है एंड सोलर पे काम कर रहे हो अगर, तो हार्ट पे भी काम करना जरूरी है. बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि सोलर प्लेक्सस जब मैं क्लीन कर रही हूँ तो मुझे और ज्यादा बुरा लगने लगता है. व्हाई? बिकॉज सोलर प्लेक्सस वो सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो आपको फील तो करवाएगा ना. तो अब फील नहीं करना है तो हार्ट चक्र को भी क्लीन करना जरूरी है. बिफोर गोइंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप लोग अपने हार्ट चक्र या और भी सातों चक्र में से किसी को भी, या सातों चक्रों को क्लीन एंड एनर्जाइज करवाना चाहते हैं, या फिर आप लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल, एंशियस, या यू नो इरिटेटेड, या जो भी मैं सिम्टम्स बताती हूँ ना, सारे चक्र प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको फेस कर रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली टेक हीलिंग सेशंस फ्रॉम मी. अगर आप लोग हीलिंग सेशंस बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. आई वुड लाइक टू शो यू सम ऑफ the feedback of people who take the healing sessions from me. यहाँ screen पे आप देख सकते हैं that कितना amazing उनको एक ही healing session में feel होता है. So definitely आपको ये try करना ही चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड द सिक्स सिम्टम इज लोनलीनेस, डिप्रेशन और एंगजाइटी. अब ये सारी जो फीलिंग्स है, जेलेसी की, हेट्रड की, अकेला महसूस करने की, या फिर फॉरगिव नहीं करने की, या इजिली जज कर देने की, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारे अंदर लॉन्ग टर्म की एंगजाइटी, लॉन्ग टर्म की डिप्रेशन ये क्रिएट करेगी. ठीक है, हमारा पूरा मेंटल स्टेट ऑल्टर कर देगी ये चीज़ें. अगर शुरुआत है ना हार्ट चक्र वीक होने की, तो आपको ऊपर की 4-5 जो मैंने सिम्टम्स बताए वो होंगे, बट अगर एक्सट्रीम हो गया है, बहुत टाइम से आपका हार्ट चक्र प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर रहा, फंक्शन करता है सबका हार्ट चक्र प्रॉपरली, बट प्रॉपरली उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर लेटर ऑन आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें आ सकती है. बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप ऐसा ही महसूस करेंगे, लो ही महसूस करेंगे, तो यही होगा. तो अगर आप स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट्स है सिम्टम, तो अभी ही संभल जाओ, नहीं तो ये फ्यूचर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो सकता है. Now the seventh, last and the most important symptom is physical symptoms. Yes, physically आपकी body में क्या ailments, क्या diseases लेके आ जाएगा अगर एक level से ज़्यादा आपका heart chakra कमज़ोर हो जाएगा, तो वो आपका immune system बहुत low कर देगा. बार बार आप बीमार पड़ेंगे, आपको सर्दी, खांसी, you know season change होते ही flu लग जाना, ये easily होगा. आपको respiratory problems हो सकती है, lungs related problems हो सकती है, ठीक है, सांस के related या lungs के related, and extreme level जाने पे आपको हार्ट रिलेटेड एलमेंट्स या प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आपको रेस्पिरेटरी या लंग्स रिलेटेड अभी कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट डिजीजेस है, देन यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन योर हार्ट चक्र. बट एक डिस्क्लेमर है कि जिनको यू नो सीरियस हार्ट डिजीजेज है, उनको हार्ट चक्र की हीलिंग करने के पहले डेफिनेटली किसी से कंसल्ट करना चाहिए. डायरेक्टली जो भी मैं टेक्निक्स बताती हूँ ना, बीज मंत्र एंड ऑल, डायरेक्टली स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज हमारा हार्ट बहुत ही यू नो सेंसिटिव ऑर्गन है, एंड हार्ट चक्र भी बहुत ही सेंसिटिव चक्र है. तो उसकी हीलिंग करने के पहले डेफिनेटली कंसल्ट विद समवन, यानी जो चक्र हीलिंग करते हैं. ये बड़ी अच्छी बात कही, ठीक है, और मुझसे आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं. इंस्टा पे DM, व्हाट्सएप पे मैसेज, या फिर मेल, एनीथिंग यू कैन डू, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट. या फिर आप लोग मेरा पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं. ओके, ये हो गई सिम्टम्स की बात. अब इसको ठीक कैसे करना है, मेन बात तो वो है ना कि खराबी तो है, पता है, बट इसको ठीक कैसे करें. तो ठीक करने के, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, 4 वेज है. सबसे पहला है बीज मंत्र चैंटिंग, वो आप कर सकते हैं. हार्ट चक्र का बीज मंत्र चैंटिंग का वीडियो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वाला ले आऊँगी, आप उसको सुन के रेगुलरली, उसमें कैसे सुनना है सारी
सारी कंप्लीट डिटेल्स होगी, आप उसको सुन के अपना हार्ट चक्र हील कर सकते हैं। सेकेंड इज गाइडेड मेडिटेशंस, वो भी एफर्मेशंस के साथ गाइडेड मेडिटेशन वाला वीडियो मैं नेक्स्ट इसके बाद बीज मंत्र के बाद ले आऊंगी, तो वो भी आप लोग सुन के अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं। यू कैन ईदर यूज वन और बोथ। थर्ड इज रेकी हीलिंग, अगर आप रेकी जानते हैं तो प्लीज, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेटली रोज रेकी लीजिए। नहीं जानते देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर लर्निंग रेकी। एंड द फोर्थ वे इज गोल्डन बॉल मेडिटेशन। ये गोल्डन बॉल मेडिटेशन हमारे सातों चक्रों को क्लीन, एनर्जाइज एंड रिजुविनेट करता है, तो वो आपको रेगुलरली जरूर करना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू लर्न गोल्डन बॉल मेडिटेशन, डू इट विथ मी, और वॉन्ट अ रिकॉर्डेड ऑडियो ऑफ गोल्डन बॉल मेडिटेशन, यू कैन डेफिनेटली DM मी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कितनी बार मैं बताऊँ, ठीक है। तो ये चार तरीके से आप अपने हार्ट चक्र को क्लीन, हील, एनर्जाइज कर सकते हैं। सो ये थे 7 सिम्टम्स ऑफ अ वीक और अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव हार्ट चक्र। आप लोग इनमें से जो भी सिम्टम अगर अभी फील कर रहे हैं, देन प्लीज कॉमेंट डाउन। आई वुड लाइक टू नो कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो फैमिली है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, वो अभी किस इमोशन से गुजर रहे हैं, क्या उनको फेस करना पड़ रहा है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो दैट। एंड इफ यू वॉन्ट एनी फर्दर गाइडेंस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। एंड जाने के पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हार्ट चक्र बड़ा है ना, अगर अच्छा एम्पैथी फीलिंग्स है ना, तो लाइक शेयर करे बिना नहीं जाना है, ठीक है। इट विल शो कि आप लोगों को कितनी एम्पैथी है मुझसे, कितना प्रेम है मुझसे, ठीक है। तो लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी करना है, और बेल नोटिफिकेशन यू नो उसको भी ऑन करना है, ताकि नेक्स्ट चक्र वाला वीडियो भी आपको मिल सके। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, नॉट फ्रॉम एनी अदर परस्पेक्टिव, बट आप लोगों के केयर करने के परस्पेक्टिव से, कि प्लीज़ चक्र हीलिंग आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना कम कर देगा। मतलब आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आप सिर्फ इतना भी करेंगे ना, और कुछ भी नहीं, और कोई टेक्निक नहीं, कुछ भी नहीं, बस चक्र हीलिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मैं फिर से बोल बोल करने लग गई, ठीक है, चलो बाय।